ए बी एंड सी डी आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड ई जी इंटरसेक्ट द लाइन ए बी एंड सी डी एट एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली एंड एंगल ई एफ ई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द स्ट्रेट लाइन एच आई बाइसेक्ट एंगल ई जी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी जी। ठीक है, तो ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो गिवन है वो क्या गिवन है यहाँ पे, पैरेलल लाइंस गिवन है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि जो ई जी लाइन है, ठीक है, ईजी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा लाइन को एफ और जी पे। ठीक है, जो ईजी लाइन है वो एफ और जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और गिवन है कि एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई जो है वो 60 डिग्री है एंड द स्ट्रेट लाइन एच आई, जो ये लाइन एच आई है वो बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ई जी डी को, ई जी डी को वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले अपन ई जी डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो अपने को एंगल क्या निकालना है, एंगल डी जी आई। ठीक है, एंगल डी जी आई निकालना है। ठीक है, लेट्स से अपन इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इस फिगर को लेट से यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ करता हूँ। दो पैरेलल लाइंस पहले अपन ड्रॉ कर ले। ठीक है, ये लेट से अपने पास दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। अपन लेट से यहाँ पे इस एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये लाइन है ए बी जो कि पैरेलल लाइंस है और ये जो गिवन लाइन होगा इंटर, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर अपन देखें तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी से ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइंस की प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री और इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये क्या है ई और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है एफ और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे जी। अब अगर अपन ये इंटरसेक्टिंग, ये एंगल अपने पास क्या आ गया 60 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल बनता है 120। तो अगर ये 60 है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बनेगा, ये रिमेनिंग एंगल बनेगा यहाँ पे 120। ठीक है, ये रिमेनिंग एंगल क्या बनेगा 120। बट इन्होंने क्या बोला है कि जो एच आई है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट से अगर अपन देखें तो एच आई अपन यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो एच आई इसको क्या कर रहा है यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये लेट से यहाँ पे एच आई है और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन एच हो गया, ये लाइन आई हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल ये था अपने पास 120। इसको अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसका इधर एंगल क्या होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अपने को एंगल कौन सा निकालना है, अपने को एंगल निकालना है डी जी आई। ठीक है, डी जी आई एंगल अगर अपन देखें तो ये एंगल लेट से ये डी जी आई है। ठीक है, तो ये एंगल डी जी आई की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे थीटा। तो अपन एच आई स्ट्रेट लाइन है, एच आई एंगल, एच आई स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, तो एच आई पे अगर अपन टोटल एंगल देखें इस पॉइंट जी के अबाउट तो क्या हो जाएगा 180 के इक्वल, तो यह जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री प्लस में थीटा और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री। एच आई पे टोटल एंगल क्या होगा यहाँ पे, ये जो टोटल एंगल होगा ये क्या होगा 180 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू क्या देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे थीटा के लिए 120, मतलब एंगल डी जी आई जो होगा वो क्या होगा 120। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।